नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बात में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। वोट बैंक बड़ी चीज है, ये बड़े बड़ों को डरा देती है। एक बार इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। आज ऐसे ही मुद्दे से आपको रूबरू करवाने जा रही है। ये मुद्दा जो है हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े करता है। क्या जाट समुदाय से सरकार एक बार फिर से डर गई? जी हाँ, आज का मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि एक बार फिर ऐसा हुआ है कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने जाट समुदाय के सामने घुटने टेक दिए हैं। जाट समुदाय की ओर से अमित शाह की बाइक रैली के समानांतर ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकाले जाने का आह्वान किया गया था। साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी। इस चेतावनी के बाद दौर शुरू होता है बैठकों का, मैराथन बैठकें की जाती है और सहमति बन जाती है। जी हाँ, तो हरियाणा के सीएम ने मुलाकात की जाट नेताओं के साथ। ये बैठक होती है, करीब 5 घंटे तक बैठक चलती है। देर रात सरकार बैठक करती है, उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आता है कि जाट समुदाय जो है धरने प्रदर्शन करने के साथ साथ जो समानांतर रैली निकाले जाने की बात थी, सड़कों पर एक बार फिर से आने की बात थी, सरकार जाट समुदाय के सामने घुटने टेकती है, सरकार झुकती है, सहमति बन जाती है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, क्या कानूनी पेंच सरकार को अब याद नहीं आए? क्या पार्टी प्रमुख आएंगे तो सरकार किसी भी बात पर सहमति बना लेगी? और क्या सरकार जाट समुदाय से डर गई? चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। 15 फरवरी को होने वाली अमित शाह की रैली के चलते जाट समुदाय का विरोध थम गया है। 15 फरवरी को जींद में अमित शाह की बाइक रैली होनी है और जाट समुदाय ने शाह की रैली के समानांतर ही ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जाट समुदाय रैली की तैयारियां कर रहा था। लेकिन अमित शाह की रैली में कोई अड़चन न पहुंचे, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने जाट समुदाय की सभी मांगों को मान लिया है। दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं के साथ बैठक की और जाट नेताओं को शाह के समानांतर रैली न करने की मांग की, जिसके बाद जाट नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। जाट नेताओं ने बैठक में साफ किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक उनकी रैली को स्थगित नहीं किया जाएगा। आखिरकार हुआ वही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने जाट नेताओं के सामने घुटने टेक दिए। आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सरकार वापस लेगी। जाट एवं 5 अन्य जातियों को आरक्षण देने बारे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 31 मार्च 2018 से पहले हरियाणा सरकार सभी आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध करवाएगी, ताकि आरक्षण दिए जाने बारे अंतिम निर्णय जल्दी हो सके। सरकार का ये दृढ़ विश्वास है कि जहां हर वर्ग को उनका न्यायोचित अधिकार मिले, वहीं किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन न हो। ऐसा होने से सामाजिक सौहार्द और भाईचारा मजबूत होता है। जाट नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और अपनी मांगों पर अड़िग रहे, जिसके बाद सरकार को जाट समुदाय के सामने झुकना पड़ा। सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक के बाद जाट नेता यशपाल मलिक ने बताया कि अब जाट समुदाय की ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है। नहीं, आश्वासन की बात नहीं हो तो निर्णय लिया और सरकार ने आप लोगों के सामने भी प्रेस रिलीज जारी की, सबको प्रेस रिलीज मिल जाएगी। मुकदमों पे जो अड़चने बनी हुई थी, वे अड़चने दूर हुई और अब सब मुकदमे वापस होंगे। प्लस रिजर्वेशन की जो 31 मार्च की तारीख है, उस तक सरकार अपना निर्णय आयोग को और अपने आंकड़े जो भी उसको देने होंगे, वे सारी चीज़ मैकेनिज्म तैयार करके वो दे दिए जाएंगे। और केंद्र के आरक्षण के बिल का भी आश्वासन दिया गया है कि इसी सत्र में दूसरी पार्टियाँ सहयोग करेगी तो वो पास हो जाएगा। तो और बाकी नौकरियों से जो मुआवजे से संबंधित था, उन पर भी सरकार ने सब पे निर्णय लेके और सभी डीसीज को निर्देशित कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने सामने आ रही सबसे बड़ी समस्या को दूर कर दिया है, वो भी सभी मांगे मानकर। ये पहली बार नहीं है जब मनोहर सरकार ने जाट नेताओं के सामने घुटने टेके हैं। एक बार पहले भी जाट आंदोलन के नाम पर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश को चला चुकी है और प्रदेश चलने के बाद सरकार ने जाट नेताओं की मांग को मान लिया था। रविवार को हुई बैठक रात करीब 12 बजे तक चली। इस मीटिंग में मलिक और सरकार की तरफ से सीएम बीरेंद्र सिंह और कृष्णलाल पवार भी मौजूद रहे और बैठक को सफल बनाया गया।
अब देखना होगा कि सरकार की ओर से मानी गई जो मांगे हैं उन्हें कब तक पूरा किया जाता है, या फिर सरकार हर बार घुटने टेक कर समस्या का समाधान निकालने में लगी रहेगी। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो बड़ी बात में चर्चा आज करेंगे कि इस बैठक के क्या मायने समझे जाएं और इस बात के क्या मायने समझे जाएं कि पार्टी प्रमुख जब आने वाले होते हैं, सरकार बैठकें करती है, सरकार ये बात साफ करती है कि सभी मुकदमे जो कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे वो वापस लिए जाएंगे, सीबीआई से भी मामले वापस लिए जाएं, इसके लिए भी बातचीत की जाएगी। तो क्या सरकार डर गई है? अगर सरकार डरी नहीं तो गैस टीचर्स का दर्द नजर क्यों नहीं आता? और जहां तक बात रहती है वादों की, जहां तक बात रहती है आश्वासन की, तो गैस टीचर्स को जो आश्वासन दिया गया था सरकार को वो अब तक याद नहीं आता। लेकिन जाट समुदाय की ओर से जब कहा जाता है कि अमित शाह की रैली के साथ साथ जाट समुदाय भी रैली निकालेगा, क्या उससे सरकार डर गई? इसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर आनंद सनवारिया हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे चर्चा में। जोगीराम हमारे साथ इनेलू से हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही बलदेव राठी जाट नेता हैं, यशपाल मलिक गुट से जाने जाते हैं, एडवोकेट गुरिंद्र पाल सिंह हमारे साथ चर्चा में रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून हमारे साथ इस चर्चा में स्टूडियो में है। स्वागत है सभी का। सनवारिया साहब, क्या डर गए आप लोग? ज्योति जी, अब मैं इस पर तो शायद कॉमेंट ना करूँगा कि डर गए। कभी भी कोई डेमोक्रेटिक सरकार डरती नहीं है। मैं आपके चैनल के द्वारा, चैनल के माध्यम से हमारे दूरदर्शी मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं और संघर्ष समिति के मलिक साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बातचीत की तरह से करके एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन जो होने वाली थी हरियाणा सरकार में, बिकॉज इस वक्त हरियाणा सरकार में पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बहुत ही वोलेटाइल हो रहा हुआ हुआ है और हर एक कोई अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये है कि सबका साथ सबका विकास, और ये कहना कि डरना, देखिए पॉलिटिक्स में शाम दाम नहीं, दंड भेद सारी तरह सबका विकास की बात है तो करनाल आप लोग नहीं पहुंचते। गैस टीचर्स, महिला शिक्षक जो रही वो मुंडन करवा लेती है, सामूहिक मुंडन करवाया जाता है। सुनिए सर, अगर सबका साथ सबका विकास की बातें होती तो सीएम वहां भी पहुंचते, वहां भी बैठक और बातचीत की कोशिशें करते। आप लोग बैठक वहीं पे करते हैं जहां सरकार को डर रहता है। बोलिए। नहीं, सरकार तो मैंने बताया कि डरने का कोई ऐसा वाजिब कारण नहीं होता, लेकिन अगर कोई बातचीत से समाधान निकल जाता है तो हमारी सरकार कभी प्रेस्टीज बना के नहीं बैठती कि इसमें हमारी कोई बेइज्जती हो जाती है। तो वो जो चीज बातचीत में, दोनों संघर्ष समिति का कल काफी मैराथन बातचीत हुई है, और जो टीचर्स ये बातचीत की गई, जो टीचर्स की जो बात आप कह रहे हैं, रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और पूरी तरह से हर एक चीज का जो समाधान, रास्ते तो 2019 के खुल चुके हैं, 2014 से पहले आप लोगों ने वादा किया था जंतर मंतर पर। करनाल नहीं पहुंचते लेकिन जाट समुदाय को लेकर दिल्ली हरियाणा भवन में बैठक की जाती है, क्योंकि आप लोगों की प्राथमिकता है कि आपकी रैली ना बिगड़े। केवल ढींगरा जी बोलिए। देखिए, बीजेपी सरकार जो है वो डरी हुई सरकार है, क्योंकि ये अब जो अमित शाह जी ने हरियाणा का दौरा करना है, अब उसको करने के लिए ये चाहे उठक बैठक करेंगे, चाहे ये किसी भी तरीके का काम करेंगे, लेकिन ये सभी लोगों को मनाने का काम करेंगे जी। और ये चाहे झूठा आश्वासन दे, चाहे ये किसी तरह का आश्वासन दे कि सारे केस वापस ले लेंगे। आपको याद होगा 2120 केस के करीब हुए थे ये, तो उसमें करीबन 40,000 करोड़ का हरियाणा का नुकसान हुआ था। तो ये उस सारे केसों को वापस लेने की जो बात कर रहे हैं, ये अभी समझ नहीं आ रहा कि ये 2120 केस वापस लेंगे जो उस समय की बात चल रही थी, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितने आएंगे उनको वापस ले लिया जाएगा। सीबीआई के लिए भी अनिल जैन मध्यस्थता करेंगे, सीबीआई भी कुछ मामलों की जांच कर रही है, वहां भी कोशिशें रहेंगी। ज्योति जी, राज्य सरकार के अंदर तो कोई केस होते नहीं, केस तो कोर्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल। और कोर्ट में ये क्या मामला करेंगे और किस तरीके से करेंगे और क्या मीठी गोली जो है वो जाट नेताओं को दी है इन्होंने, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये लोग डरे हुए हैं अब, क्योंकि अमित शाह जी का दौरा है हरियाणा के अंदर, तो ये सबसे पहले उनको मनाने की फिराक में सभी उठक बैठक करेंगे, सारी चीजों को मानेंगे। अभी ये सारी चीज हमें दिख रही है कि ये सारी चीजों को मान तो रहे हैं, लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है, इसको, इस मामले को तो कोर्ट सुलझा सकती है। हरियाणा सरकार किस तरह से आश्वासन दे रही है ये मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सनवारा साहब, इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि मुकदमे आप लोग वापस ले लेंगे, कानून पुलिस अदालतें क्या करेंगी, सरकार ही खुद फैसले कर लेंगी कौन से मुकदमे होने हैं, कौन से वापस लेने हैं। और जब ये वक्त है, ये वो वक्त है जब आपकी पार्टी के प्रमुख को आना है। ज्योति जी, दो पार्टियां जो आपस में, जिनके पास दुविधा थी
उन दोनों में तो समझौता हो गया। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं क्या इनको परेशानी होती है, ये हमेशा अब कहते हैं कि 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अरे हरियाणा को जलाने वाले यही लोग थे, वो अरेस्ट हुए हैं, आप बातें कर रहे हैं तो नहीं, आप लोग कार्रवाई करवाइए ना सर, 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 आप एक बहुत जिम्मेदार, आप सरकार की ओर से, आप बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं, मैं सुन ले, आप जांच करवा लीजिए ना, आप जेलों में भेजिए, जनता को कंफ्यूज क्यों करते हैं? कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, एक दूसरे पर आरोप आप लोग करवाते हैं, एक्शन लीजिए ना। आरोप नहीं, आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब दो पार्टियां आपस में, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते आप? मुझे बोलने, आपको यही तो बता रहा हूँ, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़े, आप हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है? आप ही की लगाई हुई कमेटी है, साहब अपना रथ यात्रा लेके घूम रहे, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो आपकी कुरीतियां तो बताएंगे लोगों को सारा का, नहीं उसमें कोई बात आपने नहीं, जो हरियाणा के अंदर 4 साल जो तांडव किया उसका लोगों को, लोगों से उसके बारे में बात तो करेंगे हम, नहीं आता है जो कि राम जी इसी वक्त क्यों ये फैसला लिया जाना कि सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे जो कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे? देखिए ज्योति जी, एक तो डॉक्टर सामरिया साहब का ये कहना है कि दो पार्टियों का समझौता हो गया है, ये हरियाणा की जनता का है मामला, ना कि दो पार्टियों का मामला है कि यशपाल मलिक और बीजेपी दोनों चाहें कभी चढ़ा दें कभी रोक दें। हाँ। और ये सब इनके मुद्दे उठाए हैं बीजेपी के, यशपाल मलिक जी को उठाने वाले भी यही हैं और मनाने वाले भी यही हैं और कलवाने वाले भी यही हैं। अगर ऐसा ना होता तो अभी भी ये कह रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होंगे, क्या मीनिंग है उसका, क्या क्लियर है, क्लैरिटी क्या है उसमें? जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे, जिनकी सीबीआई जांच हो रही है, नहीं होंगे एक्सपर्ट बैठे हुए, तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे से बाहर चले, कोर्ट में चले गए, हम नहीं ले सकते, आज तक क्यों नहीं ले लिए इन्होंने? बिल्कुल, इनकी झूठ की राजनीति है, हमेशा ही झूठ बोलकर अपना मौका निकाल लेते हैं। अब जनता देखेगी, टाइम नजदीक आ गया, जो इन्होंने 3-4 साल झूठ बोला है उसका फैसला जनता कर देगी। और सबका पता रहा, हमारी पार्टी का अभी भी विरोध करती है, काले झंडे दिखाएगी, काले गुब्बारे भी दिखाएगी और उनको रोकेगी भी। अगर उन्होंने हमारे SYL पे हमारी बात नहीं की, अगर मोटरसाइकिल पर आते हैं इनके नेता तो वहां पर रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। हरियाणा की जनता को कभी कहेंगे कि अब धरना करना है, अब प्रदर्शन करना है, अब ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकालनी है, फिर बैठक करते हैं, उसके बाद नहीं करना इस तरह का कोई भी रैली या कोई भी आयोजन? ऐसा है ज्योति जी, जिस प्रकार आप कह रही हैं कि यशपाल मलिक जी ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, देखिए लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना या किसी भी तरह के एजिटेशन की कॉल देना बड़ा जायज और एक कदम ऐसा है जो हमारा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगे मनवाने के लिए एजिटेशन की कॉल दी जाती है, लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का कोई दंगा फसाद कराना किसी का कोई मकसद नहीं होता। जहां तक बात एजिटेशन के भविष्य में करने की है, हमें सरकार ने कई बार कई मौकों पर हमारे साथ इन्होंने फैसले किए हैं जी। और सरकार के मुखिया ने बार बार, आपने भी जैसे सबको पता है कि वो बार बार वादे करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, जाट समाज आज भी आश्वस्त नहीं है। नहीं सर, ये बताइए जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर सहमति बनी है वो पहले भी बन चुकी है? हाँ, वो पहले यशपाल मलिक ने बैठक की, उस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, कैसे फैसला ले लिया गया सहमति का, उसमें जनता की विश्वसनीयता कितनी होगी, ये बात पहले भी हुई? असल में बात क्या थी, जब पिछले साल ये बातचीत हमारी होती है 19 मार्च को जो समझौता हुआ उसको सरकार धीरे धीरे डिले कर रही थी जी, और 17 अगस्त को समिति की फिर मीटिंग होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बीजेपी के और साथ में मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके कहा कि जाटों की जो भी मांगे हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार करो, इन मामलों को वापस लो, लेकिन बड़ा डिले इन लोगों ने किया। गोविंदपाल सिंह जी, ये मुकदमे वापस लेने का, मुकदमे किए जाने का कानूनी पक्ष क्या है इनका? सेक्शन 321 है, 321 सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पावर होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में, और हालांकि उसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया कि किस किस तरह के केसेस को किस किस तरीके से वापस ले सकता है, लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवनंदन पासवान के केस में, नंदनी सतपति के केस में, अब्दुल करीम के केस में 1977 में, 1980 में, 2000 में कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रोपोजिशन ले डाउन करी हैं, और ये जो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं ये कोर्ट इसकी स्क्रूटनी करेगी। ये दो पक्षों का मसला नहीं है, जैसे कि जोगीराम जी ने भी कहा है, ये कोई प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं कि आपने मेरी दीवार गिरा दी और हम दोनों ने बैठ के समझौता कर लिया। ये जब केस होता है स्टेट केस माना जाता है, स्टेट केस का मतलब ये नहीं कि स्टेट का पर्सनल केस है, एक तरफ पूरी स्टेट, पूरा राज्य, राज्य मीन सभी लोग इन्वॉल्व या जो जो लोग विक्टिम है वो होते हैं,
विक्टिम को रिप्रेजेंट करती है स्टेट और दूसरी तरफ है मुलजिम एक्यूज्ड है। तो यहां पे स्टेट जो सतही तौर पे लगता है हाँ। इस केस में स्टेट ने किसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बिल्कुल राजनीतिक इंटरेस्ट में पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है जो मेरे हिसाब से जो मैं तीन केसों का हवाला दिया है जिसमें स्पेसिफिकली कहा है कि कोर्ट उन केसों में जब एप्लीकेशन लगेगी ये देखेगी कि क्या उसका पर्दा उठाकर देख सकती है और देख सकती है कि इसके पीछे मोटिव क्या है और यदि कोर्ट मोटिव से सेटिस्फाई नहीं तो वो रिजेक्ट कर सकती है सरकार की प्रेयर इवन मुकदमा वापस लेने की। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं ना कि दो पक्षों का मसला है बिल्कुल नहीं है, ये कानूनी तौर पर कोर्ट जब सीज्ड ऑफ मैटर। लेकिन मैंने कुछ अध्ययन किया है इन बातों का, उसके बारे में भी मैं छोटी सी टिप्पणी करूं तो झज्जर में रोहतक में बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि उसमें कुछ बचा भी नहीं हुआ। ये सिर्फ मसला उन केसों का हो रहा है जो बहुत सीरियस है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति और व्यक्तियों का नुकसान हुआ है जिनमें मर्डर तक के केस रजिस्टर हैं, उन केसेस को कोर्ट कहां तक फाइनली जाती है ये अभी देखना पड़ेगा। और एक बुनियादी चीज कोर्ट ने बार बार कही है कि जो विथड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन है केस को वापस लेना है वो हमेशा तो परमिट करेगी कोर्ट हाँ। यदि वो बोनाफाइड एक्सरसाइज है, यदि कोर्ट ने देखना कि ये मैलाफाइड एक्सरसाइज तो नहीं है, कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन किसी बाहरी कारणों की वजह से तो नहीं किया, कानूनी तौर कानूनी कारणों की वजह से जाएंगे क्योंकि सरकार और दूसरा जो पक्ष है वो केवल दो पार्टियां नहीं हो सकती, कानून का भी अपना काम है, अदालतों का भी अपना काम है। जादून साहब पूरा जो एपिसोड रहा, चेतावनी दी गई, बैठक हुई, सहमति बन गई, इस पर पहला कमेंट आपका। देखिए ये जो शुरू से ही मर्ज बहुत बिगड़ चुका है, इसका ट्रीटमेंट भी गलत तरीके से हो रहा है और उससे पूरी सोसाइटी में पूरी देश की व्यवस्था में कानून व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जा रहा है। पहले तो ये है कि ये जो आरक्षण की नीति ही गलत थी, उससे समाज में इतनी कटुता पैदा हो गई, एक कटुता पैदा हुई, कुछ लोग ये महसूस करते हैं दूसरे वर्ग कि हम पिछड़ रहे हैं और दूसरे कंपटीशन पैदा हो गया कि वो सोचते हैं कि ये ले रहा है तो हम भी ले लें। इस कारण जो है एक अनावश्यक तरह के जो जस्टिफाइड नहीं है अनावश्यक तरह के प्रेशर ग्रुप पैदा हो गए, जैसे राजस्थान में भी हुआ कि गुर्जरों ने पूरे देशव्यापी आंदोलन कर दिया और जो वहाँ की गवर्नमेंट देना नहीं चाहती रिजर्वेशन और मजबूरी में जब कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया और करोड़ों की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो उनको रिजर्वेशन देना पड़ा। और वही मुझे लगता है कि हरियाणा में दोहराया गया और पूरे देश भर में जाट समुदाय की तरफ से भी दोहराया, गुर्जरों ने भी दोहराया, वो गलत परंपरा शुरू हो गई। तो उससे लगातार कानून को ये परंपरा ही गलत है और इसमें एक बड़ी पार्टी आप लोग हैं, इसके हिस्सेदार आप लोग हैं जो शुरुआत की गई है। नहीं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो कानून सम्मत परंपरा गलत परंपरा तो गलत ही रहती है, लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका भी हक है उसका हक मिलना नहीं, चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई सर, इसमें पब्लिक का कम नजर आता है और कि पब्लिक का हित कितना है और बाकी बाहरी कारण क्या हो सकते हैं। आपकी पार्टी के प्रमुख को आना है उस वक्त आप लोग बैठक नहीं, बुला रहे हैं। नहीं नहीं वो देखिए ये बिल्कुल उस वक्त आप लोग ये फैसला नहीं, नहीं वो किसी हालत में भी नहीं, ये तो इस मंगल से था नहीं, वो तो पहले का मतलब डेट आप कहें कि आज का उसके दिन की ये बातों में नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसला लिया जाता है वो कानून सम्मत रहेगा। अभी मेरे साथी ये तो एडवोकेट है, इन्होंने कहा कि जो मुकदमे बन गए हैं कोर्ट में चले गए विवेचना कोर्ट करेगी, मेरे कहने से या मलिक साहब के कहने से वो नहीं होते, पब्लिक अदालती विवेचना करेगी हाँ, क्या विवेचना करेगी में ये नजर लेकिन नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख को आना था, जाट समुदाय ने चेतावनी दी, इस दौरान बैठक की गई और सहमति बन गई। देखिए वैन मैंने पहले भी यही कहा कि सरकार जो है अमित शाह के आने के ऊपर डरी हुई है और इस तरह के अब फैसले ले रही है। जहां तक ये अभी जो सवरिया साहब बात कर रहे थे तो इनको प्रकाश सिंह कमेटी इन्होंने ही बनाई थी, उसको पढ़ना चाहिए किसने उसके अंदर लिखा हुआ है कि सरकार खुद सरासर दोषी है और सरकार ने ही ये सारा काम करवाया और इस हरियाणा को जलने दिया, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग उसके अंदर जो है नुकसान हुआ, 40,000 करोड़ के करीब संपत्ति का नुकसान हुआ। बोलिए थोड़ा तथ्यात्मक बोलिए, हालांकि अधिकारियों की और जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था सेना को बाकी जो जवान तैनात किए गए थे उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इतना माना। देखिए मैंने तो ये कहा कि जो प्रकाश सिंह कमेटी जो इन्हीं की बनाई हुई थी वो जो डीजी थे यूपी के उनको इसका हेड बनाया गया था,
उसी को, उसी के ऊपर जो रिपोर्ट बनी उसको भी इनको पढ़ना चाहिए, उसके बीच में इन्होंने क्या कार्रवाई की आज तक। वो एक झूठ बोलने की बात करने के लिए कुछ फायदा नहीं, लेकिन जहां तक अभी बात कर रहे थे कि इस पार्टी ने कर दिया, इस पार्टी ने कर दिया, तो उसका प्रमाण है उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर उसका प्रमाण है कि सरकार उसमें कहां कहां दोषी है, क्या क्या काम किए, राजकुमार सैनी की क्या भूमिका थी उसके अंदर, जो बीजेपी के कुरुक्षेत्र से एमपी है, और बाकी लोगों की क्या भूमिका थी, वो सारी चीज क्लियर है। ठीक है, जहां तक बयानों का जिक्र किया गया था, सिर्फ प्रकाश कमेटी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रकाश कमेटी पर चर्चा नहीं हो पाएगी, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है, उससे जुड़ा मामला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से तबादले करवा दिए गए। सनवारे साहब इस बात को मानते हैं कि अधिकारियों के जितने तबादले करने थे, जितना प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा मानना था सरकार को, उतना माना गया बस। हाँ नहीं, देखिए जो प्रकाश बार बार मेरे साथी कहते हैं प्रकाश सिंह कमेटी को पढ़ नहीं रहे, प्रकाश सिंह कमेटी में गवर्नमेंट को उन्होंने बिल्कुल सीएम को पूरा क्लीन चिट दिया था, और उनमें ये भी बताया गया था, उनमें झूठ क्यों बोलते हैं, ये भी बताया गया था चैनल में झूठ, इतने आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, कौन सी क्लीन चिट दी है, किसको दी क्लीन चिट, आपके मंत्री ने खुद कहा कि उसको कूड़े की टोकरी में फेंक दो कमेटी की रिपोर्ट को, अरे कमाल करते हो आप, ये क्लीन चिट ठीक है, कूड़े की टोकरी में क्यों फेंक दी थी, आपके लीडर जोगीराम जी, प्रोफेसर साहब जोगीराम जी ये आश्वासन दे दिया गया है, अरे क्या झूठ, अरे आप क्यों झूठ बोलते हो, आपके आप ये बताइए आपके मंत्री जो है, आप अपने मंत्री की बात नहीं मानते क्या, उन्होंने क्यों कहा कि ये कूड़े की रिपोर्ट, प्रकाश कमेटी पर ही चर्चा करनी है, फिर कभी कर लेंगे प्रकाश कमेटी पर, लेकिन विषय पर रखिए जोगीराम जी, क्या लगता है गेस्ट टीचर्स भी करनाल में रखे, पहले भी हमने जिक्र किया, इतना भेदभाव सरकार कैसे कर सकती है। जो मैडम ये आश्वासन दिया गया अभी यशपाल मलिक जी की कमेटी को, हमें तो नहीं लगता कि इस पर ये खरे उतरेंगे जी, क्योंकि कभी भी ये सरकार किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरी है, ये तो कांग्रेस की कुछ बुराइयां थी कि उस करके ये सरकार ये आ गई, और अब सरकार भी वही काम कर रही है। नहीं सर, आप भी थे, हालांकि विकल्प आप नहीं, लोग भी थे, हम भी थे, हरियाणा में कम से कम विकल्प थे, चलो नहीं आए, कोई नहीं नहीं कहता नहीं आते, लेकिन यही जो बीज बोया था जाट आरक्षण का, ये इन्होंने गलत तरीके से बोया कांग्रेस ने, अगर ये ठीक ढंग से देना चाहते तो दे सकते थे जी। और इसको बाद में इन्होंने बनाया कि हम देंगे, और तो ये वही गुप्ता कमीशन है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट जो विधानसभा में रखी है, वही सेम हमारे वाला बनाया हुआ गुप्ता कमीशन है ना जोगीराम जी, अगर वो आप हमने गलत काम किया होता तो उसको क्यों मान रहे हैं फिर बीजेपी वाले, सही करते तो उसपे वही गुप्ता कमीशन इतना ठीक किया होता 2014 में ही क्यों करते आप लोग, आप लोगों की सरकार में जाते जाते क्योंकि आपकी सरकार जाते जाते ये फैसला लेती है, आपकी सरकार जाते जाते ये फैसला लेती है, 2005 में जब कहा गया कि आरक्षण देंगे जाटों को, 2014 में ही आरक्षण क्यों दिया जाता था, आपको चुनाव नजर आए थे सर, आप लोगों को चुनाव नजर आ रहे थे, इस वक्त बीजेपी को भी चुनाव ही नजर आ रहे थे, हालांकि दौरा भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये मामला 2010 में उठा था, देखिए ऐसे नहीं जोगीराम जी, ये मामला 2010 में उठा था, और 2000 हमने उसके पहले सारी इंस्पेक्शन करवाई, और 2013 में हमने जाते जाते नहीं, नहीं इंस्पेक्शन में तो सामने आ चुका था कि जाट समुदाय को हरियाणा में आरक्षण की जरूरत नहीं है, केवल ढींगरा जी रिपोर्ट पर मानते तो रिपोर्ट में तो कहीं कहा ही नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, हाई कोर्ट तक ने नकार दिया, रिपोर्ट में कहीं नहीं माना गया कि जाट समुदाय को हरियाणा में आरक्षण की जरूरत है, आप लोगों ने चुनाव देखते हुए आरक्षण दिया, इसमें कोई दोराय नहीं, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस मैंने नहीं झुठलाया सर, मैंने नहीं झुठलाया, मैं अदालत की बात कर रही हूँ, मैं तथ्यात्मक बात कर रही हूँ, कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले आरक्षण दिया, हमने जो आरक्षण दिया था वो राठी साहब कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे आपके आपके समुदाय के साथ, अरे क्या बात कर रहे हैं जी, आप डीरेल कर रहे हैं, आप मेरी बात समझे, जो उस समय दिया गया था वो 2014 गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अरे जोगीराम जी आप एक बात बताइए, अभी कमीशन क्या बात कर रहे हैं, डीरेल कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, इन्होंने नहीं दिया, देखिए जहां तक पार्टीज की बात है, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना, बाकी लगभग सभी पार्टियां जो इस देश के अंदर हैं वो क्लीन हैंडेड नहीं है, चाहे वो बीजेपी का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो, या अन्य पार्टियों का, सभी पार्टियों ये क्लीन हैंडेड नहीं है, जैसा आरक्षण हमें कांग्रेस ने दिया था वैसा बीजेपी ने थाली में परोस के हमारे सामने रख दिया। ठीक है, असल मकसद क्या है, असल मकसद वोट प्राप्त करना है,
और कैसे वोट प्राप्त किए जाएं, उसके लिए किस प्रकार दंगे भड़काए जाएं, उनको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। दंगे भड़काने का काम कौन करता? बीजेपी, सभी राजनीतिक पार्टी, कोई भी क्लेम नहीं है। आज की बात करेंगे हम, भाजपा ने उसमें बढ़ चढ़ के 2014 के बाद जब जाट ने आरक्षण मांगा 2016 फरवरी 2016 के अंदर भाजपा के ही कुछ लोगों ने जहर बोया और जाट नॉन जाट की राजनीति इस प्रदेश के अंदर की, जहां बड़ा भाईचारा था। भाईचारे को देखो, इससे बीजेपी भाग नहीं सकती। और रहा मामला सीआरपीसी 321 का, देखिए समाज के हित में सरकारें कुछ फैसले लिया करती हैं और समाज में भाईचारे को बनाने के लिए क्यों आता है ये नहीं देखिए मैम, जब मुकदमे वापिस लेने का, आप लोग भी एक पक्ष हो इसमें, नहीं जब मुकदमे वापसी लेने का मामला आता है तो जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की सरकार मुकदमे वापस ले सकती है। कानून अपनी जगह पर है, और तारीख है, जो समय है, उसको नकारा नहीं जा सकता कि अभी आप क्यों आया। दो बातें कहना चाहूंगा, एक तो कि सरकार मुकदमा ले सकती, बिल्कुल सरकार को मुकदमा वापस लेने का अधिकार है। यदि सरकार को ऐसा अधिकार हो ना तो सुबह दरवाजा खोल देगी तिहाड़ जेल का और चंडीगढ़ जेल का भी, सारे बाहर चले जो मुकदमा। नहीं, सीआरपीसी 321 क्या कहती है? सुनिए सुनिए सर, मैंने 4 केसों का हवाला दिया, मैं 20 का और भी दे सकता हूँ। सरकार को किसी भी काम करने का जो अधिकार है उसके लिए एक बुनियादी चीज है हिंदुस्तान के संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट को हर चीज को रिव्यू करने का अधिकार है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ रिजर्वेशन के बारे में, दो बातें आ गई। एक तो हमारे माथुर जी, राजेंद्र जी ने राजस्थान पत्रिका से हमारे मित्र बैठे हैं, उन्होंने कही कि ये संविधान में परंपरा ही गलत शुरू की गई। परंपरा गलत नहीं शुरू की गई सर, संविधान के मुताबिक हर व्यक्ति बराबर है और जो संविधान में बराबरी का अधिकार है उसमें एक वर्ड होता है अनइक्वल्स एंड इक्वल्स कांट बी क्लब्ड टुगेदर। वो संविधान के समानता के अधिकार की वायोलेशन करता है। जिन लोगों के कान में सिक्का डाला गया, जिन लोगों को टच करने से अशूत कह के उनको बाहर निकाला गया, जो आपके परिवारों में शादियां नहीं कर सकते, करते हैं आंदोलन करते हैं, मुद्दा छूट दिया, अशूत कर दिया, मुद्दा यहां जाट आरक्षण का, पार्टी अपनी सहूलियत, मुद्दा यहां जाट आरक्षण का, यहां परंपरा गलत हो जाती है। यही बात मैं आपसे कहने वाला था, अगला मेरा बात यही था कि राजस्थान में गुजरों को जो दिया जा सकता होता कानून सम्मत होता और पटेलों को दिया होता तो इलेक्शन से पहले दे लेते, ये संभव नहीं है। और सरकार को चाहिए संविधान की अनुपालना करे। हाँ, अनुपालना जो बिल्कुल कह रहे हैं ना आप मेजर साहब, वो अनुपालना करने की बजाय आप जाके अंगूठा टेक देते हो जब 4 आदमी काले झंडे लेके खड़े होते हैं और आप संविधान का उल्लंघन करते हो। आप साफ साफ कह सकते हो कि ये सामने कानून पड़ा है, ये अदालत पड़ी, आप जाइए। नहीं, दो साल तक इन लोगों ने कानूनी बातें की, ये मुकदमे कोई आज के नहीं है, सरकारी साहब आपको जानकारी है। दो साल तक आप लोगों को कानूनी बातें याद आती हैं, लेकिन अमित शाह का दौरा होता है तब कैसे भी करके मान मनोबल करते हैं। सरवारे साहब बोलिए। नहीं बिल्कुल, अभी मेरे साथी ने कहा कि और कहा कि अंगूठा टेक देते हैं, मुझे थोड़ा दुख लगा कि ये तो पढ़े लिखे से तो उम्मीद कर रहा आप आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जो हमारे सरकार के माननीय जेल में जो सच नहीं बोलता वो है, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमने जो कहा है आगे कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में आता है कोर्ट की विवेचना से वापिस ले ली। इसको अमित शाह जी के टूर के साथ या उनकी यात्रा के साथ, दो बार कांग्रेस ने एक बार और आपने दो बार ये आरक्षण दिया, अंगूठा नहीं टेका, चलो हाथ से दस्त करके दे दिया और रिजल्ट क्या हुआ, तीनों बार कोर्ट ने उस आरक्षण को स्टे कर दिया। चलो ठीक है, तो एक तरफ जीन जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 फरवरी को जीन आने वाले हैं। इससे पहले जो जाट समुदाय की ओर से धमकियां दी गई थी, जो चेतावनी सीधे तौर पर दी गई थी कि अपनी मांगों को लेकर जो कि पहले सहमति बन चुकी थी उनको लेकर एक बार रैली निकाली जाएगी और सीधे तौर पर खिलाफत की जाएगी। इसी बीच बैठक होती है, सीएम इस बैठक में उपस्थित रहते हैं। 3 चरणों की बैठक में तमाम मांगों को लेकर सहमति बनी है, उसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। सनवारे साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बजट सत्र चल रहा है, इसी बार आप लोग बिल लेकर आएंगे, ये आश्वासन दिया गया, पहले याद नहीं आई थी जब अमित शाह नहीं आने वाले थे? देखिए ज्योति जी, मैंने वो ये पहले वाला वर्ड रिलेटिवली ऐसा है, इधर जोगीराम जी भी पहले क्यों, अरे ये तो इंसिडेंटली अब
ये इंसिडेंटली नहीं है जनाब, ये इंसिडेंटली नहीं है, ये इंसिडेंटली नहीं है। अभी के बजट सत्र में जो अभी बजट सत्र होगा उसमें आप लोग बिल लेकर आ जाएंगे, ये बात आप लोग कहते हैं। अभी याद क्यों आती है, अभी पांच घंटे की मीटिंग क्यों की जाती है, रात को ये बैठक की जाती है, तीन चरणों में बैठक होती है, ये पहले क्यों नहीं की जाती? समय समय सवाल पूछेगा, जरूर पूछेगा, और उसी समय को लेकर हम सवाल पूछेंगे। समय होता है, इंसिडेंटली वो कल हुई और क्या पता वो रैली के बाद भी हो सकती थी। ये तो देखिए पॉलिटिकल कुछ कह रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने मनाने की कोशिश ये की है कि अमित शाह की रैली के समानांतर जाट समुदाय रैली ना करे। आप कहते हैं इंसिडेंटली हो गया, इंसिडेंटली है इसमें कुछ? ना, जाट समुदाय अगर अभी भी जाट समुदाय रैली करना चाह रहा है, देखिए उनका अधिकार है, हर एक वो अपनी असलियत बता रहे हैं कि हम फैसला किया हमने जाट समाज को बाहर आना चाहता था आज से। बड़ी शर्म, ना बड़ी, देखो आप पार्टी लाइन से वही मैं कह रहा हूँ, क्लीन हैंडल नहीं है कोई पार्टी, क्लीन हैंडल आप लोग नहीं आते। देखिए ये आपको मालूम नहीं है, इनके जो पहले के प्रवक्ता है वो हमारे साथ कई डिबेट कर चुके हैं, एक साल पहले भी हमारी डिबेट हो चुकी है, तब जवाहर यादव जी ने ऑन एयर बोला था कि हमारे जो 1300 केस है वो वापिस ले लिए गए हैं, आज वो सारे के सारे केस एज इट इज खड़े हैं। एक साल पहले बोला था इनके प्रवक्ता ने ये बात, आज झूठ फिर बोल रहे हैं, सवरिया साहब को मालूम नहीं है क्योंकि ये पिछले साल ये नहीं आते थे, मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, 15-2017 को सवरिया साहब ने आते नहीं थे और दूसरे प्रवक्ता आते थे, जवाहर यादव जी ने खुद कहा कि हमने 1300 केस वापस ले लिए ऑन एयर टीवी चैनल के ऊपर कहा, और आपको बताना चाहूंगा आज तक कोई केस वापस नहीं हुआ, झूठ बोलते का काम करते हैं। पिछले दिनों भी हमने चर्चा की 822 लोगों पर, ये अब की बात है, ये भी अभी कोर्ट बुलाएगी कि कौन सा केस वापस होगा कि नहीं होगा। हमारे साथ गुरिंदर पाल सिंह जी बैठे हैं, ये बता देंगे, अभी तक कोर्ट में मामला है, वो करेंगे अगर वापस तो होगा, ये पहले भी हमारी बात हो चुकी है इसमें, ये झूठ बोलने की बात करते हैं, एक साल हो चुका है इस मामले में, सुनिए ना, लगातार शुरू से यही करते हैं, ये मुझे टोकने की बात इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा है। अभी जहां तक मुकदमों की देखिए, जहां तक बात है, दो ये 2017 का 19 मार्च का जो हमारा फैसला हुआ, उसके बाद 5-7 ऐसे केस हैं जो वापिस हुए हैं, अधिकतर केस आज भी अटके पड़े हैं, और उसी की वजह से ये आंदोलन की कॉल दी गई, और अगर सरकार अब भी वादा करके मुकर दिए तो आंदोलन के लिए जाट समाज फिर भी तैयार है। केसेस वापसी के होती अगर तो हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। असल में दुर्भाग्य क्या है कि सरकार के मुखिया ने बार बार वादा किया और वो मुकरे, इस बार जो वादा किया है देखते हैं उस पर कितना वो पूरा उतरते हैं, इसके ऊपर भी जाट समाज अपनी नजर बनाई हुए। और जहां तक हमें बरगलाने की और बहकाने की बात है, देखिए आंदोलनों के अंदर एक या दो दिन के अंदर फैसले नहीं होते, हमें भी पता है, आंदोलन अक्सर लंबे चला करते हैं, और इस लंबे आंदोलन से हमें भी परहेज नहीं है, हम भी अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े खड़े रहेंगे, ठीक है सरकार अपना काम करे। नया क्या था, मैंने शुरुआत में भी जानी इस बार नया ये था, आपने मेरे सुना नहीं ना, फिर आपने पिछले साल 17 अगस्त को जब मीटिंग हुई, मीटिंग में अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट किया कि इनकी बातें मानो, लेकिन जैसे ही ये बात आई उसके बाद बातचीत एकदम बिल्कुल बंद हो गई, सरकार के बिहाफ पे बंद हुई, समिति को उन्होंने बिल्कुल बुलाना बंद कर दिया, कोई केस वापिस नहीं हुआ, और जितने भी केसेस थे वो सरकार के अधिकारियों की कुर्सी के नीचे धूल फांकते रहे। तब जाकर मजबूरी वश के सरकार को कैसे लाइन पे लाया जाए और कैसे हम लोकतंतर के अंदर अपनी आवाज उठाएं, सरकार लाइन पर होगी इस बात के बाद। ज्योति जी, अभी मलिक साहब ने कहा कि ये जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी से मिले तो नेचुरली कभी डेपुटेशन जब किसी के लीडर के पास मिलने जाता है तो वो अपने
अधिकारी साहब कितनी बार डेपुटेशन मिला, सुनिए ना आप, कितनी बार मिला, बोलते रहे, एक बार, दो बार, चार बार, तीन बार, बोलते जाएंगे, बोलते आपको तो बोल रहे हैं, फोबिया हो गया है, सारे मामले इंटरेस्ट आपके, आपने अभी तक किया क्या, वो तो बता दो, 2120 केस में क्या कितने वापस कर दिए, बता दो, इनकी बातें सुनिए, आप बता दीजिए 2000 केसों में कितने वापस कर दिए थे, आप बता दीजिए ना, इतने हमने पहले वापस कर दिए थे, आज वो 1300 बोल के सुनेंगे, क्या जवाब नहीं लेना है, क्या सुनेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, सुनते ही नहीं है, कितने वापस हो गए थे उस समय, अरे तो अब भी कह रहे थे, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ बताइए कितने हो गए वापस, सरकारी पक्ष अलग है सर, कानूनी पक्ष अलग है, कानून कहता है, सरकार कहती है कि कुछ मामले हमने वापस लिए, जिनमें कुछ दिन पहले भी हमने डिबेट की चर्चा की, 822 लोगों पर करीब 70 थे, उससे पहले भी कुछ मामले वापस लिए गए, तो इन्होंने कहा 5 से 7 मुकदमे वापस लिए गए, आप उसी पे सहमति बना रहे हैं पैनल पर कि 5 से 7 ही मुकदमे, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ, आप जाट समुदाय की ओर से जो बात कही गई, राठी साहब की ओर से जो बात कही गई कि 5 से 7 मुकदमे वापस हुए, उसमें 7 कैसे हो सकते हैं, सरकार का ये पक्ष नहीं है सर, नहीं सरकार ने तो कहा है बड़े कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में मुकदमे आते हैं, अभी मेरे साथी अधिकार क्षेत्र, अभी आप चुप रहिए साहब, इनको कहिए कौन सा अधिकार क्षेत्र, नहीं बात करने की इनकी आदत है कि जब मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, लेकिन बोल, अब मेरे पास एक एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार सब मुकदमे जिस तरह से, वो विवेचना है कोर्ट की, सरकार जा सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जा सकता है कि इस केस में, ऑफ कोर्स आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूलिंग भी आई है कि कंप्लेनेंट की एब्सेंस में भी वो वापस किया जा सकता है, आप कह रहे हो कि ये बताइए, इनको ये सरकार थोड़ी, आप सरकार गड्ढे खोदे हुए आपके हैं, अरे आप सरकार हो, अभी भरने में समय लगता है, वो गड्ढे कहां से, वो मरीज साहब बताइए, ये मुकदमे तो आप लोगों के वक्त के रहा, नहीं आप लोगों के वक्त का रहा, मुकदमे आप लोगों के वक्त के रहे, वापस लेने का फैसला आप लोगों का है, इसमें भी कांग्रेस को कोसेंगे आप लोग, नहीं हमको कोस नहीं रहे, मैं कहा कि गड्ढे आप लोगों के खोदे हुए, ये सुन नहीं रहे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप पिछली पार्टी को कोसते रहेंगे, जो भी आप बोले ये सुन नहीं रहे, नंबर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी सांवरिया साहब से कि पिछली डिबेट पे ये हुआ था कि 822 मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, तो ये नहीं बता पा रहे हैं 822 लिए हैं या नहीं लिए हैं, वापस लोगों पर मुकदमे वापस ले लिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल आई थी, वे क्या ले लिए हैं, और नंबर दो बताई थी, नंबर दो अभी भी ये कहा गया है कि जाट या दूसरी बिरादरियों के आरक्षण के बारे में हम संसद में बिल लाएंगे अगर कांग्रेस साथ दे, तो इनको ये कहना कि अगर कांग्रेस साथ दे तो ये क्या मतलब हुआ, भी बीजेपी अपना काम करे, कांग्रेस से क्या लेना है, इन्होंने कांग्रेस साथ दे या ना दे, कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्यों कांग्रेस की भारत जाने वाली थोड़ी है, उसने पब्लिक की सोचनी है, तो ये सब उलझाने वाली बातें हैं, ये खुद ही नहीं इस पर कन्फ्यूज्ड है, खुद ही कन्फ्यूज्ड है ये कि भाई होगा क्या इसका, केवल ये टालने के लिए, समय लेने के लिए काम किया जा रहा है, और हमारी पार्टी बार बार कह रही है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया SYL का, वो तो ये करवा नहीं रहे, जो डिसीजन हो गया है और ये इसके कह रहे हैं मुकदमे हम वापस ले लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हाँ, और यहाँ कह रहे हैं हम लोग उसका सरकार करते हैं, तो हमारी पार्टी का तो ये है कि हम विरोध करेंगे, अमित शाह की रैली हो जाए उसके बाद ये तमाम चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी, बिल्कुल, इन्होंने ये डरी हुई सरकार है, इन्होंने पिछले दिनों ये कहा कि 153 मुकदमे एक वापस लिए, फिर 50 एक वापस लिए, लेकिन अभी तक जो है, अभी जो जाट नेता बैठे हैं उन्होंने खुद ही कह दिया कि 5 ही हुए हैं अभी वापस, लेकिन अभी ये मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट वापस लेगी तो होंगे, इनका कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अमित शाह की हरियाणा आने की वजह से डरे हुए हैं, इसलिए सभी मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये लेकिन ये झूठ है सीधा, ये झूठ है, जिस समय ये झूठ की बात बनता है, ये झूठ बोलने की बात सरकार कर रही है, और जिस समय अमित शाह जी का दौरा वापस होगा तो इनकी जुबान बदल जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पूरे भारत की राजनीति में पहली बार होगा कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे होंगे, विपक्ष की ओर से धमकियां दी जा रही हैं, समुदाय विशेष ये कह रहा है कि अलग से रैली निकाली जाएगी, जादौन साहब देखिए ये सरकार जो है जिस तरह से अभी प्रेशर में आई है, मैं समझता हूँ कि अच्छा होता ये पहले ही प्रेशर में आ जाती, इन्होंने जो पॉलिटिकल फैसला किया और रिजर्वेशन देने का फैसला किया, पहले तो जब वार्ता चल रही थी इनिशियली आंदोलन से पहले,
2016 में, तो इन्होंने कहा कि हम तो आर्थिक आधार पर ही देंगे और आंदोलनकारियों को आर्थिक आधार पर ना मंजूर था जी। तो अगर फिर इसके बाद एजिटेशन स्टार्ट हुआ, जब तमाम तोड़फोड़ हिंसा आगजनी हो गई, इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम रिजर्वेशन दे देते हैं आपको जिस तरह से आप मांग रहे हो उस फॉर्मूले के तहत दे देते हैं। हाँ। तो ये फॉर्मूला जिस तरह से अब ये दबाव में आते जा रहे हैं लगातार, कि रैली को देख के रैली की जरूरत ही क्या थी इतनी कि वो जो है प्रेशर, आपने कहा कि आप वेल मुझे मार, आपने इतना मौका दिया कि हम उसके पैरेलल रैली निकालेंगे, तो इस तरह का प्रेशर अगर इन्होंने अब एक्सेप्ट किया है तो ये बिगनिंग में ही अगर एक्सेप्ट कर लेते तो आज तक का जो सारा केस बिगड़ा है और गलत ट्रैक पर सारी गाड़ी चली गई तो वो जाती नहीं। तो ये स्थिति ये है कि पॉलिटिकल आधार पर ही फैसले करने हैं, तमाम चीजों को कंसीडर करेगी कि किस दबाव के चलते ये फैसले। अदालत के अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सरकार जो है ना वो संविधान की पैदावार होती है और वो एक ओथ लेती है कि मैं संविधान से बंधी हुई हूँ, और जब वो राजनीतिक स्वार्थों के लिए, देखो जनता का कि बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है लोगों का कि वो अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए वो आंदोलन करें, वो अपनी ये आंदोलन के मैं जाट नेता हूं कि इस आंदोलन से तो बहुत अच्छी तरह सहमत हूं अदरवाइज भी, कि जब सरकार फंसी होती है तभी वो, जैसे आपने उनका गेस्ट टीचर का नाम लिया, हाँ। सरकार तभी मानती है जब वह कहीं फंसी होती है, इसीलिए सारे पे कमीशन तब लागू होते हैं जब इलेक्शन कर इलेक्शन सिर पे होते हैं, तो इसलिए वहां जाट गलत नहीं है कि उन्होंने ये मौका चुना। सरकार की गलतियां कहां से है, मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो अभी मेजर साहब बोलेंगे कि ये प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। तीन दिन पहले राम रहीम वाले केस में एक मिनिस्टर वहां लंबा लेट रहा था, सिरसा में जाके हमारे डेरे में, मैं सिरसा से ताल्लुक रखता हूं, और इसी तरह जो समझौते करते हैं तो वो इस तरह कर लेते हैं कि आज जान छूटे, ये नहीं कहते कि हम संविधानिक सरकार है और संविधान में इस चीज का प्रोविजन नहीं है, हम इसके करने के काबिल नहीं है और हमारे से नहीं हो पा रहा। हाँ, और आप लोगों की ये डिमांड नाजायज है, ये कहने की बजाय बोला झुकना शुरू कर देते। ये सही पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि हमारे सीएम बहुत दूरगामी सोच रखते हैं, क्या इस बैठक में जो फैसले लिए गए उनमें भी किसी तरह की दूरगामी सोच की गुंजाइश है? ज्योति जी, अभी मेरे साथी अधिवक्ता जी ने कहा और के जी हर एक कोई गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जब दो पक्षों में बातचीत होती है तो बातचीत में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है, लेकिन हर एक कोई चीज, हर एक कोई डिसीजन गवर्नमेंट का स्क्रूटनी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दोज आर द कोर्ट्स, कोई मनमानी करके नहीं कर सकता, और खास करके हमारी सरकार आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार हो गए, जो है जींद की रैली खत्म होने के बाद भी सरकार अपने स्टैंड पर कायम रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंड ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि सरकार कोई एक छोटा मोटा खिलौना नहीं है, ये कोई कांग्रेस और वो इन लोगों के नहीं है कि जो मर्जी में बोलते रहे। सरकार को गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का करने का वादा किया गया था। सरकारिया साहब सुनिए, एक बार के लिए सवाल आपसे है, गेस्ट टीचर्स को आप जंतर मंतर पर जाते हैं पहली कलम से पक्का करने का वादा करते हैं, चुनाव करीब थे, अब वही गेस्ट टीचर सामूहिक मुंडन करवाते हैं लेकिन सरकार को नजर नहीं आता, क्या वहां दूरगामी सोच थी बीजेपी की, क्या अब दूरगामी सोच है बीजेपी की, बताइए। देखिए, दूरगामी सोच इस वक्त जो हरियाणा में माहौल बना हुआ है और उसमें खाम खाम एक प्रॉब्लम आफ्टर डेवलपमेंट, जो कि क्या ये हरियाणा का माहौल है या बीजेपी के सामने मुश्किलें हैं, क्या ये हरियाणा का माहौल है या मनोहर सरकार के सामने मुश्किलें? ये बीजेपी का क्रिएटेड माहौल है, हरियाणा बड़ा शांतपूर्ण स्टेट है, शांतपूर्ण ही रहा हमेशा ही, ये बीजेपी का है कि बिरादरियों को लड़ाओ और राज करो, जो कि अब नहीं चलेगा, सबको पता चल गया क्या झूठ बोलना है क्या नहीं झूठ बोलना, कितने वायदे करेंगे, एक भी वायदा इन्होंने पूरा किया हो, अगर ये कोई न कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, न सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना ये पब्लिक को मानते, तो किसको मानेंगे इस? ये मैं सब हिसाब से कहता, आप किसको मानेंगे तीनों में से, किसी को तो बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट पब्लिक। राम जी, हम लोग एनी गवर्नमेंट इज लॉ अबाइडिंग, आपकी भी थी उतनी लॉ अबाइडिंग नहीं थी जितने के हम हैं, कांग्रेस भी थी। अरे अब तो आप, अरे आप हम पे लॉ अबाइडिंग की बात, आपके लॉ कहां गए, आपके कानून कहां है, ये दूसरे होता है, आपके लॉ है कि ये नहीं है, जनता की बात वहां पे खड़े हैं आप, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हो आप, हमें बोलने, मुझे तो बोल बोल के जल्दी बात कीजिए, कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी का एक
पैरामीटर है कि उसको उसने जनता को धोखा दिया या जनता के साथ आप दे तो रहे हो, आप तो मुकर चुके हैं। अब देखिए वो समय आने के समय थाना का समय आता है और वो समय जल्द आने वाला है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? आपको तो कांग्रेस भी वहां नहीं पहुंची, इनेलो भी वहां नहीं पहुंची। आप लोग साधुवाद नहीं ले सकते तो इस मामले में, आप लोग साधुवाद नहीं ले सकते। पहली बार अपनी तरह की घटना हुई, ना कांग्रेस है ना इनेलो है, क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं लोग कर रहे? क्या सरकार को ही कोसते रहेंगे? आप लोग बीजेपी जो उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमारे टाइम पे लगाए हुए वो टीचर के लिए उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है बीजेपी की सरकार। राठी साहब, अभी उम्मीदें हैं कि वादा खिलाफी नहीं होगी, एक बार फिर से अल्टीमेटम नहीं देना होगा, एक बार फिर से चेतावनी नहीं देनी होगी। ज्योति जी देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और हम लोग भी इस उम्मीद में हैं कि ठीक है, चलो ये दो तीन बार मुकरे हैं, शायद इस बार ना मुकरे। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी ना मुकरे, हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री या सरकार का मुकरना बहुत बड़ी बात होती है और उस बात पे कायम रहना सरकार के इकबाल के लिए भी जरूरी है। अगर सरकार अपनी बात पे कायम रहती है और जाटों को जो उन्होंने आश्वासन दिए रिजर्वेशन का, मुकदमे वापसी का जो प्रक्रिया कह रहे हैं हम शुरू कर देंगे, कुछ मुकदमे इन्होंने वापसी की प्रक्रिया शुरू की है लेकिन कोर्टों के अंदर डीए के थ्रू एप्लीकेशंस लगनी है, वो लगेंगी, वो कितने टोटल केस वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितने वो बकाया रखते हैं उसके बाद हम देखेंगे। जब बैठक हुई कि कांग्रेस अगर साथ देगी तो बिल पारित हो जाएगा। देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूंगा जो सवरिया साहब ने बात रखी यही गलत है। जो हमारे टाइम पे जो हुआ था वो गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट थी जिसके आधार पे हमने आरक्षण देने की काम किया था, वही गुप्ता कमीशन का आधार है जो अभी विधानसभा में इन्होंने रखा, तो इन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं। राम सिंह वाले केस में वो सेट असाइड होगी आपकी रिपोर्ट हो गई, लेकिन और इन्होंने बनाया कानून तो वो सेट असाइड हो गया। आप लोग गलत, आप लोग सीधा क्यों नहीं कह सकते कि इस संदर्भ में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता? आज की वैधानिक स्थिति में आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपका बनाया गया एक्ट शेड्यूल 9 में रखना पड़ेगा और आज के दिन वो भी अंडर चैलेंज आ सकता है। इसी पे आ रहा था मैं कि ये देखिए, अगर वो हमारे वाला मामला टिका नहीं तो बीजेपी उसी के ऊपर क्यों चल रही है? आप शेड्यूल 9 में लेके आते और कर देते। मैं तो मैच इसी बात पे ही तो आ रहा हूँ, मैं बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे देखिए आखिरी टिप्पणियां भी लेनी है मुझे। जोगीराम जी, क्या इनेलो कहां खड़ी है? जो बैठक हुई धमकी देने के बाद जो सहमति बनी, क्या सहमति बन जाना ठीक है? क्या जाटों की मांगे मान लेना ठीक है? देखो, हमारी पार्टी हमेशा शांति के लिए है, मांगे मान लेना बड़ा उचित है, शांति बन जाना भी उचित है। और जो इन्होंने कहा कि भी पार्लियामेंट में हम लेके जाएंगे और 9th शेड्यूल में इसको लेके आएंगे और कांग्रेस अगर सपोर्ट करे, क्योंकि मेजोरिटी में कांग्रेस की सपोर्ट इतना मायने रखती है, कांग्रेस सपोर्ट करेगी भी, हाँ। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो सपोर्ट ना करे, लेकिन अभी तो इनकी मंशा पे ही हमें शक है। सबसे पहला तो शक पार्टी की बीजेपी की मंशा पे ही हमें शक है कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तीन चार बार तो अभी बोला भी तीन चार बार किया। बहुत छोटे जवाब देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे हर केस में जहां भी केस जिस भी कोर्ट में है वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन लगाएगा और वो भी सरकार के निर्देश अनुसार, और वो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी कि इस केस में जो पब्लिक इंटरेस्ट है क्या इस पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इस सरकार को परमिशन दे दी जाए विदड्रा करने के लिए। और मैं थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया था इन केसेस का, 80% केसेस ज्योति जी वो हैं जिनमें क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है, इन्वेस्टिगेशन में किसी आदमी को सामने नहीं लाया। जवाब बहुत जरूरी है जाना, अगर जाटों से सरकार डरी नहीं तो क्या गैस टीचर्स के साथ भी मुलाकात की जाएगी, उनको भी आश्वासन दिया जाएगा? सनवारे साहब, बहुत छोटा जवाब दीजिए। कब कब इनके पास ट्रैक्टर का है? नहीं, सरकार की और सीएम की ऐसी कोई मंशा अभी तक नजर नहीं आई। भी बातचीत का दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हमारा कोई खुले कलम से बुलाने से भी नहीं पहुंचे, खून का पत्र लिखने से भी आप लोग नहीं आते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जाट समुदाय से डरे नहीं, वोट बैंक से डरे नहीं। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो क्या जाट समुदाय से सरकार एक बार फिर से डर गई है? एक बार फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं मांगों पर पहले भी सहमति बन चुकी है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख को आना है जाट समुदाय की ओर से, जो साफ कहा गया कि रैली की जाएगी, खिलाफत जाहिर की जाएगी, मांगे याद दिलवाई जाएंगी, उन्हीं को लेकर बैठक हुई और एक बार फिर से सहमति बनी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओके सर, ओके बेटे।